चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल फिजिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करा था, और इनफैक्ट हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी को समाप्त करा था। नेक्स्ट फिजिबिलिटी जो हमारे पास आ रही है उसका नाम है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। और जब हम इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का जो संपर्क होता है वो सीधा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से होता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप फॉलो करने वाले हैं, नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप लाने वाले हैं, हार्डवेयर पे खर्चा करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पे खर्चा करने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उस पर खर्चा होगा। तो खर्चा कितना होगा, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि अगर हम सीए करने के बारे में सोचते हैं तो हमें डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में, ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में, इंटेंजिबल कॉस्ट के बारे में, जिसकी शॉर्टकट था डू आई, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास काम हो पाएगा। तो फाइनली कहने वाली बात है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में डिसाइड करेंगे कि आखिरकार जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम नया लगाना चाहते हैं उस पर कुल मिलाकर कितना खर्चा आ जाएगा हमारे पास, राइट। और ये हमारे पास ऑनगोइंग एफर्ट है, ये ऐसा वन टाइम नहीं है, हमारे पास चलता रहेगा, कॉस्टिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। आपको हर समय कॉस्टिंग को इवैल्यूएट करना है, और अगर आपकी आरओआई बढ़िया रहती है तभी जाकर आप प्रोजेक्ट को अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। जब हम इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो उसको टेक्निकली हम लोगों ने तीन पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, जिसमें एक का नाम है डेवलपमेंट कॉस्ट, एक का नाम है मेरे पास ऑपरेशनल कॉस्ट, और एक का नाम है मेरे पास इंटेंजिबल कॉस्ट, और शॉर्टकट मेरे पास क्या बन गया, डू आई। ठीक है, तो ये मेरे पास आपका शॉर्टकट बन गया, डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, इंटेंजिबल कॉस्ट हो गया। आपको याद होगा हमने सीएम एडमिशन लेना था तो हमें आईसीआई में 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये का एडमिशन करवाना पड़ेगा, तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट था। हमें ट्यूशंस पढ़नी पड़ेगी, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया। इंटेंजिबल कॉस्ट की बात करेंगे, अगर हम सीए नहीं करते तो कॉल सेंटर में जाके जॉब करते, कॉल सेंटर में जॉब करते तो हमें तनख्वाह मिलती, तनख्वाह मिलती तो वो हमारे पास क्या बन जाती, हमारी इंटेंजिबल कॉस्ट बन जाती। पहले भी डिस्कस करा था मैंने आपसे, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है। तो फाइनली ये मेरे पास तीन तरह की कॉस्टिंग होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, और साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, इंटेंजिबल कॉस्ट। अब देखने वाली बात है डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप्ड करने की बात करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर की बात करूँगा तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। और जो इंसान प्रोग्राम बनाता है उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोग्रामर का नाम दिया। आज टेली नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसमें टीडीएस भी चाहिए, वैट भी चाहिए, सर्विस टैक्स भी चाहिए, एफबीटी भी चाहिए, कस्टम भी चाहिए, एक्साइज भी चाहिए, यानी सबका हिसाब किताब चाहिए। और हर काम के लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम को डेवलप करा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और वो प्रोग्राम कौन डेवलप करता है, एक इंसान डेवलप करता है, इंसान का नाम मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डैट इज कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है भैया, तो हमें इनकी तनख्वाह को बेयर करना पड़ेगा, प्लस हमें एक सिस्टम एनालिस्ट चाहिए जो डीप स्टडी करता है। भाई टैली के अंदर हमें जर्नल एंट्री के बारे में भी, लेजर के बारे में भी, ट्रायल बैलेंस के बारे में भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी, बैलेंस शीट के बारे में भी, कैश फ्लो के बारे में भी, इन सब के बारे में हमें क्या चाहिए होगा, टेक्निकली एक प्रोग्राम चाहिए होगा, तब जाके हमारे पास काम बनेगा। तो यानी एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि डीप स्टडी परफॉर्म करे, और जो आदमी डीप स्टडी करेगा उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, और ये तनख्वाह का जो हिस्सा हमारा किसके अंदर आ जाता है, सीधा आपका सिस्टम एनालिस्ट के अंदर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली एहसास करने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि यार ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके सैलरीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट के बारे में और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के बारे में, और ये दोनों खर्चे हमारे किसके अंदर आएंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा फाइल्स। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा फाइल्स से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, लेट अस से आपका जो पुराना सिस्टम था वो एक्सेल का था, और अभी आपने एक नया सिस्टम फॉलो करा जिसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, डीबीएमएस आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। ठीक है, लेट से आप लोगों ने किसका इस्तेमाल करा, एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा, ओरेकल का इस्तेमाल करा, तो आपकी ओल्ड सिस्टम की फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, ओरेकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये काम जादू से नहीं होता, कन्वर्ट करने के लिए मैन पावर चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा भी जो हमारे पास होगा अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। यानी ये हम टेक्निकली बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब मैं ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करने की बात करूंगा तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, कंपनी के अंदर हर चीज़ का एक लिखित रूप होता है बेटा, कंपनी के अंदर कोई भी काम मुंह जुबानी नहीं होता, हर चीज़ का लिखित रूप होता है। कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है,
ठीक है, कंपनी में इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स कौन से लगाए जाएंगे, फ्रॉड कौन से होंगे, एरर कौन से होंगे, रिस्क कौन सी होंगी, वल्नरेबिलिटीज कौन सी होंगी यानी वीकनेसेस कौन सी होंगी, कंपनी में हर चीज़ का लिखित रूप होता है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास क्या होती है, एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटीज हमारे पास क्या होती है, कंपनी में हर चीज़ का एक लिखित रूप हमारे पास अवेलेबल होता है। तो डेफिनेटली उस लिखित रूप को प्रिपेयर करने का प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एक नाम दे रखा है, डैट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। अब आप क्या समझते हैं कंपनी का जो अंदर बिजनेस प्रोसेस होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? वो बहुत बड़ा होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखित रूप में डालना पड़ता है, चाहे हम उसको हार्ड कॉपी की फॉर्म में डालें चाहे हम उसको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में डालें, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। आजकल तो जनरली सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में ही होता है, हार्ड कॉपी के तो जमाने खत्म हो गए हैं, बच्चे 2-2 लाख रुपए के कंप्यूटर कोर्स करते हैं, किताबें नहीं मिलती, किताबों के नाम पे उनको LMS मिल जाता है और वहीं पे जाकर वो अल्टीमेटली अपनी किताबों से रीड कर लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यार हमें हर चीज़ का एक लिखित रूप देना पड़ेगा, उस लिखित रूप को हमने क्या नाम दिया, डॉक्यूमेंटेशन का नाम दिया, जो कि छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है, काफ़ी मल्टीपल मैन पावर्स को हायर करना पड़ता है और उनको एक्वायर करना पड़ता है ये डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सिस्टम मैनुअल्स यानी हमें डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए खर्चा उठाना पड़ता है, और वो भी किसका पार्ट माना गया, डेवलपमेंट कॉस्ट का ही पार्ट हमारे पास माना गया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग न्यू कंप्यूटर फैसिलिटीज, यानी क्या मतलब है भाई, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर भी हायर करना पड़ेगा, हमें नोड भी हायर करने पड़ेंगे, हमें तारे भी परचेज करनी पड़ेंगी, है ना, हमें सेटेलाइट का सिग्नल भी परचेज करना पड़ेगा, यानी हमें नए नए कंप्यूटर फैसिलिटीज परचेज करने पड़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस परचेज करने पड़ेंगे, शायद आपने कुछ नाम सुने होंगे, हब का नाम सुना होगा, रिपीटर का नाम सुना होगा, स्विच का नाम सुना होगा, राउटर का नाम सुना होगा, गेटवे का नाम सुना होगा, फ्रंट एंड प्रोसेसर का नाम सुना होगा, प्रोटोकॉल कन्वर्टर का नाम सुना होगा, मॉडम का नाम सुना होगा, मल्टीप्लेक्सर का नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसी कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं जो आपको खरीदनी पड़ती हैं, जब आप खरीदेंगे तो आपका नेटवर्किंग का एनवायरमेंट बनेगा, और हम जानते हैं कि नेटवर्किंग हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का कायदे से क्या माना गया, पार्ट माना गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जानकारी होगी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग न्यू कंप्यूटर फैसिलिटीज। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाया है, जो भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाया है, चाहे वो हमारा TPS है या MIS है या DSS है या EIS है या ES है या ERP है, ठीक है, या ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है या डेटा वेयर हाउस है, डेटा माइनिंग है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसको क्लाइंट को बेचने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब टेस्टिंग करना कोई छोटा मोटा काम है, बहुत बड़ा काम होता है यार, विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट करने के लिए 2-2 हज़ार बंदा, 3-3 हज़ार बंदा 2-2 साल से काम करता है, और जिस दिन इनॉग्रेशन होती है कई बार टेस्टिंग फेल हो जाती है हमारे पास, तो टेस्टिंग का खर्चा हमारे पास बहुत मोटा आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ फंक्शनल एम्प्लॉयज होते हैं, CA कैटेगरी के लोग फंक्शनल कैटेगरी में आते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग अलग होती है, एंड यूजर की ट्रेनिंग अलग होती है, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, उसका खर्चा बेयर करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह कि जितने भी खर्चे हैं सारा का सारा किसका पार्ट माने गए हैं, आपके डेवलपमेंट कॉस्ट की पार्ट माने गए हैं, जो आपको स्टडी करना है, एनालाइज करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा, रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा से यहाँ पे क्या मतलब है, लेट अस से सॉफ्टवेयर बन गया, बनने के बाद हमने क्लाइंट को बेच दिया, क्लाइंट को बेच दिया तो क्लाइंट के वहाँ पे स्टाफ होगा जो कि वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेशंस करेगा, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, एंड यूजर्स का नाम दिया हुआ है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेट में एंड यूजर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करिए, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं 500 से लेकर 1000 रुपये पर आवर के हिसाब से, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, डेटा फीडिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, और इसको हम सभी लोग टेक्निकली जानते हैं क्या कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड करना, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना और रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। तो उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती है भैया। अच्छा, एनालिस्ट को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, प्रोग्रामर को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। सर ये क्या बात हुई, डेवलपमेंट में दे तो दी, अरे डेवलप्ड कर लिया, डेवलप्ड करने के बाद हो सकता है फ्यूचर में दोबारा से कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ जाएं, जैसे अभी GST आ गया है, तो GST आने से काफ़ी कुछ सिस्टम हमें रीमॉडिफाइड करना पड़ रहा है, हमें दोबारा से एनालिस्ट चाहिए, दोबारा से प्रोग्रामर चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें, एनालिस्ट चाहिए जो कि डीप स्टडी कर सके GST के नॉर्म्स को, उसके परसेंटेजेस को, उसके क्राइटेरिया को। तो फाइनली महसूस करने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि यार ये सारी बातें हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारे पास काम यहाँ पर हो पाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, हमने हमने क्या करा, हमने हार्डवेयर को परचेस कर लिया तो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर हार्डवेयर परचेस नहीं करा, रेंट में खरीदा तो उसका रेंट वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। आप समझते हैं कि कंप्यूटर को परचेस करने में कोई बेनिफिट नहीं है, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि 60% का डेप्रिसिएशन तो भैया पहले साल ही ख़त्म हो जाता है उसका। तो आपने कहा क्या करना भाई, इससे बढ़िया तो हम किराए पे ले लेते हैं और किराया पे कर लेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट से भी लेस होगा। या आपने कहा नहीं यार, 5 साल 10 साल कंपनी चलानी है तो हमें हार्डवेयर परचेस करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मतलब कि आपको इवेल्यूट करना पड़ेगा। तो चाहे आप कंप्यूटर को चलाएं ना चलाएं, टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो ही जाती है हमारे पास, जब टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ेगी हमारे पास, तो डेफिनेटली वो भी हमारा किसका पार्ट माना गया, ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट यहाँ पर माना गया, ठीक है। उसके अलावा बिजली का बिल आएगा हमारे पास, है ना, एसी का बिल आएगा, लाइट का बिल आएगा, बिल्डिंग का किराया होगा जहाँ पर हमने अपना ऑफिस खोल रखा है, तो ये सारे खर्चे हमारे किस में आ जाएंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट की कैटेगरी में खर्चे आ जाएंगे, राइट। हमें कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लगाना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर के अंदर कंपनी के अंदर एरर या फ्रॉड नहीं आ सके। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप लोगों ने ऑडिट के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं, जनरल कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो गया, ये सारी बातें आप ऑडिट में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कंपनी के अंदर एरर्स नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, अगर हम चाहते हैं कि कंपनी के अंदर हमारे पास एरर्स नहीं होना चाहिए या फ्रॉड्स नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल होता है, लॉजिकल होता है। कई बार हम ताले चाबी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। कई बार हमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। व्हाट्सएप आपने देखा होगा, व्हाट्सएप के अंदर वो कहता है ना कि अब आपके मैसेज डेटा एनक्रिप्शन की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करे जाएंगे, सुना होगा आप लोगों ने, तो वो भी किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट माना गया, राइट। तो यानी ये हमारे पास सारे खर्चे हैं, मेंटेनेंस हमें करनी पड़ेगी, आए दिन मॉडिफिकेशंस होती रहती है, मॉडिफिकेशंस के लिए हमें दोबारा से नए प्रोग्राम्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो मेंटेनेंस का मतलब हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, तो उसका खर्चा भी हमें फाइनली यहाँ पर बियर करना पड़ेगा, राइट। और कॉस्ट ऑफ इनपुट डेटा प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, बैंक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि यार जब भी हम कभी कोई पेमेंट जमा कराते हैं तो हमें चालान भरना पड़ता है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करानी तो चालान भरना पड़ता है, चेक जमा करवाना तो एक डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, सोर्स डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, खर्चा आता है यार। तो इनपुट का डेटा प्रिपेयर करने से पहले भी हमारे पास खर्चे होते हैं, तो ये सारे खर्चे हमारे किसका पार्ट माने गए हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट यहाँ पर माने गए हैं, ओके। तो चलिए, ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में। अगला टॉपिक मेरे पास क्या रहा है, इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट से क्या मतलब है, मैंने बताया था आपको, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेफर करता है, और कई तरह से हो सकता है हमारे पास। आप नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो मैन पावर है वो आपसे नाराज हो। मान लो आपने कहा कि हम कंपनी के अंदर ईआरपी का सिस्टम लॉन्च करेंगे, और आपकी कंपनी में मैक्सिमम जो है 55 साल के लोग काम करते हैं, 55 साल के लोग काम करते हैं, बुजुर्ग आदमी काम करते हैं, तो ये मेंटली डीमोटिवेट हो जाएंगे, इनका काम करने का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। ये कहेंगे भैया भगवान की पूजा करने का टाइम है, अब कहाँ हमसे अपग्रेडेशन करवा रहे हो, अब हमसे कहाँ अमेंडमेंट करवा रहे हो, हम तो इसमें बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और अगर आप लेटेस्ट मैनुअली काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इससे इनका क्या मोरल डाउन होगा, तो प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, इनका काम करने का मन नहीं करेगा, आधे मन से काम करेंगे, पूरे मन से काम नहीं करेंगे, तो जितना प्रोडक्टिविटी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए उतना ये नहीं दे पाएंगे, नतीजा हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, जिसको हमने इंटेंजिबल कॉस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो साफ कह रहा है कि इसको मेजर करने का जो क्राइटेरिया बड़ा डिफिकल्ट है, एक एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा, आधे मन से काम कर रहा, तो मेरा कितना नुकसान हुआ उसको मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, डैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। या मान लो नया सिस्टम को डेवलप करना है, तो न्यू हमें ओल्ड सिस्टम को टेम्प्रेरी क्या करना पड़ेगा, हैंग ऑन करना पड़ेगा। अब टेम्प्रेरी सिस्टम ओल्ड सिस्टम को अगर हम हैंग ऑन करेंगे और नया सिस्टम को डेवलप करेंगे, इस दौरान बीच में अगर कोई नया कस्टमर आ गया, पता नहीं कितने कस्टमर आएंगे, कितने का माल खरीदेंगे, तो ये भी हमारे पास एक लॉस है, जिसको खर्चा है, जिसको हमने इंटेंजिबल कॉस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर बच्चों देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है हमारे पास, ये कॉस्टिंग की अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी की बात करेंगे, तो उसको टेक्निकली हम लोगों ने 3 भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है, और याद करने की जरूरत है आपको। शॉर्टकट, शॉर्टकट का नाम है डू आई, डी मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट और साथ में इंटेंजिबल कॉस्ट, और ये मैंने टेक्निकली जो आपके आईसीए के मॉड्यूल ने बता रखा है उस लैंग्वेज को फॉलो करते हो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई इस तरह की अगर आप बातें लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, बाकी अगर आप लंबी लंबी छोड़ेंगे या फट्टे मारेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कटेंगे, उस समय नंबर आने के चांसेस कम है। तो आईसीए वाला सुनना चाहता है सैलरीज गिवन टू सिस्टम एनालिस्ट, सैलरीज गिवन टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या सिस्टम मैनुअल्स, इस तरह के टेक्निकल नाम वो सुनना चाहता है। अगर आप इस तरह के टेक्निकल नाम सुनाएंगे तभी जाकर वो आपको नंबर दे पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा किसके बारे में, आपका इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के बारे में, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा,
राइट। अच्छा नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या आती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, रेफर्स टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स। आपको याद होगा सीए के एग्जांपल में भी हमने याद करा था, आपके पिताजी ने पूछा था बेटा सीए हमारा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो आपने कहा था लॉन्ग टर्म है, एक बार कैरियर बन गया तो लंबे चलेंगे, लंबी रेस का घोड़ा है, कॉल सेंटर वाले तो हमेशा शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट के अनुसार काम करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यही बात आ रही है कि यार ऑपरेशनली जो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ है उससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो हमारे सप्लायर्स हैं वो कितना सेटिस्फाइड हैं, ठीक है जी, उनके क्या विचार हैं इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के आने से, क्या वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमने अपनी कंपनी में लॉन्च करा है क्या वो मैनेजमेंट को सफिशियंट सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जो हमारे एंड यूज़र हैं क्या उनको करंट मेथड अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, कहीं न्यू सिस्टम किसी तरह का कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहा हमारे पास। अब ठीक है भैया किताबों का इस्तेमाल कम करिए, पेड़ कम काटिए, सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो आँखों की भी तो बैंड बजेगी ना, ज़्यादा टाइम अगर कंप्यूटर सिस्टम में लगा देंगे, कंप्यूटर की प्रोटेक्शन स्क्रीन को अगर नहीं लगाएंगे तो आँखों में बड़ा साइड इफेक्ट्स आएगा, अल्ट्रा वॉयलेट रेज आएगा, चश्मे बढ़िया नहीं होंगे तो नुकसान होगा। तो ये हमें स्टडी करना पड़ेगा कि जो प्रपोज सिस्टम है उससे कहीं हार्म तो नहीं है। देखो जब भी टेक्नोलॉजी आती है नुकसान तो लेकर आती है, नुकसान तो लेकर आती है। व्हाट्सएप ने वाट लगा दी एसएमएस की, एसएमएस का बिल खत्म हो गया है ना। अभी कुछ भी नया लेकर आ जाओ, आजकल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ रही है कि बच्चे फ्री में कंप्यूटर शिक्षा सीख सकते हैं, तो जितने कंप्यूटर सेंटर थे सारे बर्बाद हो गए। देखो ये सरकार की हरकतें हैं, ऑलरेडी बाजार में कंप्यूटर सेंटर्स बैठे हुए हैं 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। अरे गरीब आदमी है तो वहाँ चला जाएगा और अमीर आदमी है तो एनआईटी एपटेक एसआई में चला जाएगा। हाँ तुम यहाँ पर आके बीच में आके अड़ंगा डाल रहे जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कंप्यूटर सेंटर्स की सारी वाट लगा दी, बेचारे जितने भी गली मोहल्ले के सेंटर हैं सारे बर्बाद हो गए। तो जब भी कोई नया सिस्टम आता है वो कुछ ना कुछ तो नुकसान देता है। अब आपको स्टडी करना पड़ेगा नुकसान का लेवल क्या है हमारे पास, कहीं किसी प्रकार का बैड रिजल्ट तो नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि यार हर हर सेंटर के बाहर हमारे प्रधानमंत्री की फोटो लग जाए, मार्केटिंग होती रहे, एडवर्टाइजमेंट होती रहे, काम चलता रहे और बाकी जितने भी व्यापारी आदमी हैं उनकी वाट लग जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत बात है यार। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ज़रा। तो ये जानकारी थी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के बारे में जिसको हमने डिस्कस करा। अच्छा अगली फिजिबिलिटी हमारे पास क्या आती है, शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि भैया इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा। आपने कहा जी 7 साल लगेंगे, अभी पागल हो गया 7 साल तक क्या मैं बिजनेस बंद करके बैठा रहूँगा, हाउ डू यू थिंक इज पॉसिबल। किसी सीए वाले बच्चों को बोलूंगा बेटा 7 साल लगेंगे सीए करने में, कहेगा आग लगाओ यार 2 साल की एमबीए करेंगे, 5 साल की नौकरी करेंगे, ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे, है ना। किसी को हमने कह दिया बेटा सीए करने में 7 साल लगेंगे, बच्चे कहेंगे आग लगाओ इससे बढ़िया एमसीए करेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे, व्हाट्सएप जैसा कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, 1,18,000 करोड़ का बेच देंगे। क्या करना सीए करने में, क्या रखा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब यह कि मैंने कहा नहीं भाई सीए करने में 5 साल लगेंगे, 3 साल तो वो होंगे जो ग्रेजुएशन के होंगे और 2 साल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपने कहा हाँ वेरी गुड, ये बढ़िया है। तो अल्टीमेटली शेड्यूल मैटर करता है, टाइम मैटर करता है कि कितना समय लगेगा न्यू सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने में, काम करने में, और अगर वो टाइम हमारे पास लेटेस्ट रिस्पेक्टेड है तो डेफिनेटली हम उसको अवेल करेंगे, अदरवाइज हम उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है बच्चों। लीगल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, लीगल फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप बना रहे हैं कहीं वो किसी तरह के साइबर लॉ के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है, कानून के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को लेट से बिजनेस करना है, बिजनेस में हम कहते हैं कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज फेयर। अब आपने क्या, अगर आपने कॉम्पिटिटर्स की टेलीफोनिक बातें सुनना स्टार्ट कर दिया तो एक क्राइम है, फ्रॉड है भैया, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो हमें चेक करना पड़ेगा किसी तरह की इलीगल ऑब्लिगेशंस तो नहीं हो रही हमारे पास। आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर आपने ओरिजिनल परचेस नहीं करा बल्कि आपने नकली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लिया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लिया है ना। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का आपने इस्तेमाल कर लिया, टॉरेंट से आपने उसको क्या कहते हैं डाउनलोड कर लिया। अभी तो टॉरेंट बंद हो चुका है पर ठीक है, अगर आप यूएस की आईपी प्रोटोकॉल से टॉरेंट को एक्सेस करेंगे तो एक्सेस हो भी जाएगा, कई तरीके एक्सेस करने के। चलो फिलहाल हम उस हैकिंग के वाले पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि भैया बड़ी कंपनी खोल रहे हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च कर रहे हो, तो सब लीगलाइज होना चाहिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, किसी प्रकार का इलीगल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा ऐसे हमने क्या बोला, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ये फिजिबिलिटी ऐसी फिजिबिलिटी है बेटा जो कि हमारी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी से पहले आती है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के अंदर कितने शब्द थे हमारे पास, डूआई नाम के शब्द थे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये फैसला करते हैं कि यार प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं है,
यहाँ पे हम ये डिसाईड करते हैं कि आपने कहा जी मैं ईआरपी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, भाई ईआरपी का सॉफ्टवेयर 500 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर आएगा, आप स्मॉल ट्रेडर हैं, आप कहाँ से सॉफ्टवेयर परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कह रहा है भैया डूआई करने से पहले, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट की स्टडी करने से पहले आप पहले ये फैसला कर लो प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है। मैं कह रहा हवाई जहाज के बिजनेस में बड़ा पैसा, बड़ा बिजनेस है। तो आपने कहा ठीक है चलो कल से हवाई जहाज खोल लेते हैं। अबे यार अजीब सी बातें कर रहे हो, पहले देखो हवाई जहाज के पार्किंग के पैसे हैं तुम्हारे पास, हवाई जहाज खरीदने के पैसे हैं, किराए पे उठाने के पैसे हैं। सिंपल जवाब मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो डूआई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हमारे पास। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी से पहले हमारे पास कौन सी फिजिबिलिटी आ गई, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आ गई। और जहां पे हम सिस्टम वायबिलिटी के बारे में सोचते हैं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, अब अल्टीमेट देखने वाली बात है रिसोर्स फिजिबिलिटी की बात यहां पे करेंगे। तो यहां पे रिसोर्स फिजिबिलिटी की जो शब्द है वो किससे कंसर्न है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज से, एम्प्लॉई से, मैन पावर से कंसर्न है हमारे पास। ठीक है जी, क्या मैन पावर हमें पर्टिकुलरली मार्केट में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। आजकल एक बड़ा डिमांड है सीए विद ईआरपी कि सीए हमारा ईआरपी का कोर्स आना चाहिए, उसको फाइनेंस सैप का मॉड्यूल आना चाहिए, सैप नाम का ईआरपी सॉफ्टवेयर आना चाहिए, उसमें उसको फीको मॉड्यूल को सीखना चाहिए, फीको FICO फीको मॉड्यूल को सीखना चाहिए। अब हमारा सीए वाला बच्चा बड़ा अजीब सा होता है, वो तमीज से ITT तो करता नहीं है, है ना, एडवांस एक्सेल के बारे में ढेले की नॉलेज नहीं होती बच्चे को हमारे, या कुछ को होती है बुरा मत मानना, पर मैक्सिमम बच्चों को नहीं होती, नालायक ही होते हैं। अब हम उससे सीए वाले बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं भाई तेरे को सैप आता होगा, तो मार्केट में कंपनीज कह रही हैं कि हम सीए वाले बच्चों को जिनको सैप आता है उनको 1.5 लाख की तनख्वाह देंगे, 2 लाख की तनख्वाह देंगे, और हमारा सीए वाला बच्चा कह रहा है नहीं भैया मैं तो मैनुअल ऑडिट ही सीखूंगा, हमें तो अकाउंट्स में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी गोली कर दिया गया था, ऑडिट के अंदर भी कैट नाम के टॉपिक में गोली कर दी गई थी, हमें तो आता नहीं कुछ भी, ITD हमने माशाल्लाह तरीके से करी है, तो आग लगाओ ईआरपी को। तो बड़ी बड़ी कंपनी 500 करोड़ रुपए का सेटअप खर्चने को रेडी है, पर हमारा जो सीए है वो बाजार में मिलने को रेडी नहीं है, काम करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उसको ईआरपी आता नहीं है। तो यस रिसोर्स फिजिबिलिटी बकवास है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी चाहते हैं कि मेट्रोस में जाएं, वहां पे कंपनीज खोलें, क्योंकि वहां पे उस प्रकार की मैन पावर मिल जाएंगे, गांव में जाएंगे तो शायद उस तरह की मैन पावर नहीं मिलेगी, उतनी ट्रेन मैन पावर नहीं मिलेगी। मैं गांव वाले बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, उनका कसूर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है तो बच्चा ट्रेन कहां से होगा हमारे पास, या मेट्रो सिटीज में बच्चे ट्रेंड नहीं हो पाते तो नॉन मेट्रो की हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा रिसोर्स फिजिबिलिटी के बारे में जिसको मैं डिस्कस कर रहा। ऐसी हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है बिहेवियरल फिजिबिलिटी। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं। तो प्रोसेसिंग से पहले क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है। तो जब हमें डेटा प्रोसेस करना है क्या उस समय हमारे पास इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, आपको बिजनेस करना है तो पैसा अवेलेबल है आपके पास, पैसा कौन प्रोवाइड करेगा हमें, बैंकर्स प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिटर्स प्रोवाइड करेंगे, या हमें जो भी सामान बेचना है वो सप्लायर्स प्रोवाइड करेंगे, क्या वो माल हमारे पास अवेलेबल है। तो बिहेवियरल फिजिबिलिटी में हम ये स्टडी करते हैं कि जिस बिजनेस को हम करने की बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग से पहले इनपुट चाहिए होता है, तो आप देखिए क्या इनपुट आपको राइट टाइम पे मिलेगा, प्रोसेसिंग के टाइम पे मिलेगा। अगर प्रोसेसिंग के टाइम पे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर नहीं मिल पाता तो काम खराब हो जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके बिहेवियरल फिजिबिलिटी के बारे में जिसको हमने डिस्कस करा। और इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारे पास सारी तरह की फिजिबिलिटी को हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर लिया। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी हम स्टडी कर चुके हैं, ऑपरेशनल स्टडी कर चुके हैं, फाइनेंस कर लिया, रिसोर्स कर लिया, शेड्यूल कर लिया, ठीक है, इकोनॉमिकल कर लिया, लीगल कर लिया, बिहेवियरल कर लिया, ये 8 तरह की फिजिबिलिटी हमने स्टडी कर लिया। और पॉलिटिकल की अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मैनेजमेंट। हमने कहा हम अपनी कंपनी में ईआरपी का इस्तेमाल करेंगे, ईआरपी नाम के इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, एम्प्लॉइज नाराज है क्योंकि अनपढ़ है, किसी को ईआरपी आता ही नहीं है, है ना, मैनेजमेंट हमारी नाराज है क्योंकि वो अपने आप को ग्रेड करके राजी नहीं है, मॉडिफाई करके राजी नहीं है हमारे पास। तो ऐसे नए सिस्टम के आने से क्या होगा, दिक्कतें ही होंगी हमारे पास। तो हमारा स्टाफ वाले, हमारे कंपनी वाले, हमारे मैनेजमेंट वाले सब सेटिस्फाइड होने चाहिए, तब जाके उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अपनी जिंदगी में लॉन्च करना चाहिए, है ना। FDI की बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, छोटे व्यापारी लोग बड़े नाराज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बड़े नाराज हैं, है ना, GST इतने साल से क्यों नहीं आ पाया, काफ़ी सारे लोग नाराज थे, अभी GST डेवलप्ड हो गया, अब सभी खुश हैं तो थोड़ा उसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, तो हम लोगों ने महसूस करा कि पॉलिटिकल फिजिबल है हमारे पास ये।
तो फिलहाल देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि यार ये सारी हमारी जानकारी रिगार्डिंग इस प्रोसेस के बारे में और इसी के साथ नौ तरह की फिजिबिलिटीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को हमने पांच भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम क्या था, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन या प्रॉब्लम डेफिनेशन, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो सीधा किसके पास जाएगा, MIS के पास जाएगा समस्या लेकर, और MIS वाला कहता है कि ठीक है भैया तेरी समस्या का समाधान होगा, पर सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस करना पड़ेगा, और फिजिबिलिटी कितने तरह की होती है ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जहां पे आपको शॉर्टकट बताया था टॉप, है ना, टॉप FRS, टॉप क्लास का FRS हमारे पास, टॉप क्लास का FRS हमारे पास जो कि इकोनॉमिकल भी है, लीगल भी है, और उसका बिहेवियर भी अच्छा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, और इसी के साथ आपका यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। अच्छा, फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। किसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को, कि हाँ देखो भैया नो की नो फिजिबिलिटी में पॉजिटिव साइन मिल गया, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें, लॉन्च कर सकें। तो डेफिनेटली जब रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास सबमिट होगी, मैनेजमेंट स्टडी करेगी, तो एट द एंड आपको क्या करेगी, आशीर्वाद देगी काम करने के लिए, ठीक है भैया। चलो, यानी तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, प्रॉब्लम भी बता दिया, फिजिबिलिटी भी बता दी, और आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी चलेगी, ये जानकारी भी मैंने आपको दे दी। अब बच्चा कह रहा है बीच के दो पॉइंट्स तो आप खा ही गए सर। नहीं बेटा, मैंने नहीं खाए। आइडेंटिफाई वायबल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कहता है जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक काम करने के, आपको काम करने के एक ऑप्शन नहीं होते, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा जी मेरे को अकाउंट्स की क्लास लगानी है। अब अकाउंट्स की क्लास लगाने के लिए दुनिया भर के मल्टीपल टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, है ना, मल्टीपल टीचर्स आपके पास, बहुत सारे टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। कोई बच्चा कहता है नहीं मैं तो फेस टू फेस पढ़ूंगा, तो जाओ भैया फेस टू फेस पढ़ लो। कोई कहता है मैं सैटेलाइट पढ़ूंगा, सैटेलाइट में पढ़ लो। कोई कहता है भैया मैं तो नौकरी करता हूँ, रात को पढ़ूंगा। ठीक है भैया, मल्टीपल वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके काम कर लीजिए। superprof.com हो गया, CA0info.com हो गया, CA Club India हो गया, CA Cart हो गया, है ना, ये बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास जो कि आपको घर में बैठे लेक्चर्स की सुविधा प्रोवाइड करती है। तो यानी कहने का मतलब है एक काम को करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसी तरीके से बात वही आ रही, चाहे आप हार्डवेयर को सिलेक्ट करने की बात करें, या नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करने की बात करें, या सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने की बात करें, तो एक काम के लिए एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक हार्डवेयर नहीं होता, एक नेटवर्किंग नहीं होता, मल्टीपल तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो मल्टीपल एनवायरनमेंट में से आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को 12वीं के बाद आपने कहा जी मेरे को कामयाब इंसान बनना, कामयाब इंसान बनना है तो आपके पास बेटा मल्टीपल ऑप्शन थे हमारे पास। हम CA करने के बारे में भी सोच सकते हैं, CS करने के बारे में भी सोच सकते हैं, CMA करने के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना, हम लेटेस्ट से आपका क्या कहते हैं अपना MBA करने के बारे में सोच सकते हैं, MCA करने के बारे में सोच सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, मल्टीपल वायबल ऑप्शन हो गए, और जो आपको बेस्ट लगता है वो आपने सेलेक्ट करा। फिलहाल आपको CA करना बेस्ट लगा तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, आइडेंटिफाई वायबल ऑप्शन का नाम यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अगला साफ कहता है कि जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। जब भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। ये टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ बड़ा छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ों का नाम दिया हुआ है, एक का नाम इंटरव्यू है और एक का नाम डॉक्यूमेंट्स है। थोड़ा सा वेट करिए, आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक को टेक्निकली हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन का नाम भी आता है, ऑब्जर्वेशन का नाम भी आता है, इंटरव्यू का नाम भी आता है, क्वेश्चनरी का नाम भी आता है। चार तरह की टेक्नोलॉजीज को हमें स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें शॉर्टकट बनता है DIQ। डी मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी। डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी। ये आपको हेल्प करते हैं डेटा को इकट्ठा करने में, फैक्ट्स को इकट्ठा करने में। तो अगला साफ करें, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और डेटा इकट्ठा करने के कितने मेथड्स हैं, मैंने कहा भाई ये चार मेथड्स हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनरीज हो गया, ये आपके पास चार मेथड्स हैं। अगर आप इन चार मेथड्स का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप डेटा इकट्ठा कर लेंगे। कैसे होते हैं आगे जाके देखेंगे। तो चलिए, फिलहाल हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया, जिसका नाम क्या है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था। और इस टॉपिक को हम लोगों ने टेक्निकली कितने भागों में क्लासिफाइड करा, पांच भागों में क्लासिफाइड करा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, फिजिबिलिटी स्टडी, जिसको फर्दर हमने नौ भागों में क्लासिफाई करा। तो टॉप क्लास का FRS है मेरे पास, ठीक है, जिस जो इकोनॉमिकल भी है, लीगल भी, और जिसका बिहेवियर भी अच्छा है, ये हमारे पास आपकी नौ तरह की फिजिबिलिटी थी, और जिसको हमने डिस्कस करा। और इसी के साथ आपका पहला फेज यहाँ पर समाप्त हो गया, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ओके, किसी तरह की समस्या आती है, डाउट आती है, तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
किसी भी तरह की समस्या आती है, कोई डाउट अगर आपने पूछना है और राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।